हे गाइस, स्वागत है आपका हाईटेक भारत इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंशायर एप्लीकेशन के बारे में, जहां पर आप किसी से अगर फाइल लेते हो इंशायर एप्लीकेशन के अंदर, तो फाइल कहाँ जाकर तो सेव होता है और उन फाइल्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसे कैसे आप कॉपी कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं अपने एसडी कार्ड में या फिर कहीं भी आप पीसी में कॉपी करना चाहते हो, तो मतलब फाइल्स कहाँ पे सेव होते हैं, वो चीज़ आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इनशेयर के। तो दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो इनशेयर एप्लीकेशन में चले जाते हैं, जहाँ पर आपका जो फाइल है, मैं आपको पहले हिस्ट्री बता देता हूँ कहाँ क्या फाइल्स मैंने शेयर किया था। तो एक एड शो होता है तो इसको इग्नोर करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री का ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये जो फाइल से मैंने शेयर किया था, तो ये फाइल कहाँ जाकर सेव हुआ मैं आपको वो बताता हूँ। तो ये फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर में गए, फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर आपको एसडी कार्ड या फिर आपका इंटरनल स्टोरेज दोनों में से किसी एक में जाना है, दोनों में चेक कर लेना है। एंड्रॉयड में जाना है, एंड्रॉयड में जाकर डेटा में जाकर यहाँ पर डाउन साइड में स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का लोगो दिखेगा और शेयर फाइल्स ऐसे कुछ फोल्डर नाम दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फाइल्स पर क्लिक कर देंगे, फाइल्स पर क्लिक करने के बाद फाइल्स पर क्लिक करेंगे, फाइल्स पर क्लिक करने के बाद जो फाइल्स आपने फोटोज वीडियोज वो आपको यहाँ पर शो होंगे, जो मैंने अभी कॉपी पेस्ट कर दिया था तो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, लेकिन ऑडियो फाइल जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं इन ऑडियो फाइल्स को अगर आपको मूव करना है अपने एसडी कार्ड में, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, मूव पर क्लिक करेंगे, या फिर कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, मूव पर क्लिक करेंगे, एसडी कार्ड पेस्ट। और ये जो फोटो है ये मैंने पहले से शेयर किया था तो बाद में उसको इसमें कॉपी किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दोनों सॉन्ग से ये आ चुके हैं यहाँ पर। और इस तरीके से आप ये जो फाइल का जो लोकेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो फाइल लोकेशन है वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, जहां पर आपका जो फाइल है आपको अपने फोन के स्टोरेज में या फिर एसडी कार्ड में सेव करना है, कौन से फोल्डर में सेव होना चाहिए वो सब आप डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कि आप कैसे उसका फाइल लोकेशन कैसे चेंज कर सकते हैं अपने अपने इंशायर एप्लीकेशन का। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।